आज फोन पर मिली सूचना पर हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी रामपुरी निवासी जरूरतमंद परिवार की मुखिया के गत दिनों एक मार्ग दुर्घटना में दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण चलने में असमर्थ थे। उसे तत्काल घर पहुंचाकर चलने के लिए वॉकर, दवाइये, राशन किट सहित आवश्यकता वस्तु आर्थिक मदद पहुंचाई। विमल द्विवेदी ने बताया कि फोन पर मिली सूचनाओं के आधार पर दिव्यांगों, दिहाड़ी मजदूरों, मरीजों, तीमारदारों, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों सहित जरूरतमंदों को आइसोलेशन किट, दवाई, राशन किट, भोजन, मांस, दूध, बिस्किट व पानी का वितरण व अनारवत 15 दिनों से किया जा रहा है, जो आज भी जारी रहा, जिसमें 1060 भोजन पैकेट का वितरण किया गया। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए गायों व बेजुबान पशुओं को पानी पीने के लिए अलग अलग बस्तियों में आधा दर्जन नाद रखवाई गई है। सेवा कार्य में जिला कार्यवाह आशीष, जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी, नगर कार्यवाह अवनीश, जिला उपाध्यक्ष शिव सेवक त्रिपाठी, उपाध्यक्ष विक्रम द्विवेदी, उपाध्यक्ष शिवम आजाद, नगर उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मनीष अवस्थी, धर्मेंद्र शुक्ला, अंशु शुक्ला, सोनू शुक्ला आदि स्वयं सेवक के द्वारा अलग अलग बस्तियों में भोजन काढ़े का वितरण व सैनिटाइजर का कार्य किया गया व सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। नर सेवा नारायण सेवा को ध्येय वाक्य मानकर शुरू की गई सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी के आह्वान पर गत 15 दिनों से अनवरत भोजन वितरण, आइसोलेशन किट, दवा का वितरण, बेजुबान पशुओं व गायों के पानी पीने के लिए नान रखवाने का कार्य व जरूरतमंदों तक अनवरत भोजन व राशन किट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार गत वर्ष भी 3 माह के लॉकडाउन में हिंदू जागरण मंच द्वारा अनवरत भोजन वितरण व अन्य आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई थी। इस वर्ष भी लगातार दिव्यांगों में, मरीजों में व मरीजों के साथ आए तीमारदारों में, जरूरतमंदों में व फोन पर मिली सूचनाओं पर उनके घर तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, भोजन पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं, दवाओं का वितरण पूरे जनपद में एक टीम गठित करके हिंदू जागरण मंच व स्वयंसेवकों के द्वारा उन घर घर तक भेजी जा रही हैं व निरंतर ये सेवा कार्य चल रहा है। और हिंदू जागरण मंच व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रयास है कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति इलाज या उसके कारण प्रभावित ना हो। इसके कारण हम सबका प्रयास है कि हर जरूरतमंद तक हमारी सेवाएं पहुंचें और हम अनवरत आप सबसे अपील कर रहे हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यक कार्य ही पर ही बाहर निकलें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।